हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तीन बहुत ही बड़ी अपडेट्स के बारे में जो कि गाइस आज निकल के आई है। दोस्तों आईपीएल 2021 ऑक्शन शुरू होने में एक महीने से भी कम टाइम बचा है, ऐसे में दोस्तों आरसीबी की टीम की तरफ से बड़ी बड़ी खबरें निकल के आई है जो कि गाइस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और आरसीबी की डेली अपडेट्स चाहते हो तो गाइस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना। बात करते हैं दोस्तों पहली बहुत ही बड़ी खबर की जो कि गाइस निकल के आई है आरसीबी के डैनियल सैम से। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की टीम से आरसीबी की टीम ने ट्रेड करी थी, जहां पे गाइस आरसीबी की टीम ने डैनियल सैम्स को अपनी टीम में शामिल किया था। डैनियल सैम्स जो है दोस्तों उनको इंजरी हुई है और दोस्तों बिग बैश लीग में नॉकआउट मुकाबलों में से बाहर हो चुके हैं। और दोस्तों इससे भी ज्यादा बुरी बात यह है कि डैनियल सैम्स जो है वो दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंजर्ड रहते हैं। आईपीएल 2021 में दोस्तों आरसीबी की टीम ने इनको खरीदा है, ऐसे में दोस्तों आरसीबी की टीम के लिए बहुत ही बड़ा संकट हो सकता है अगर दोस्तों डैनियल सैम्स इंजर्ड रहते हैं तो। इसीलिए दोस्तों आरसीबी की टीम जो है वो गाइस मिनी ऑक्शन में एक ऑलराउंडर को टारगेट करने वाली है, ये बात दोस्तों कंफर्म्ड है। क्योंकि दोस्तों अगर आईपीएल 2021 में डैनियल सैम्स इंजर्ड रहते हैं, ऐसे में दोस्तों आरसीबी की टीम किसी और खिलाड़ी को खिलाएगी तो गाइस आरसीबी की टीम किसी ऑलराउंडर को टारगेट करेगी, ये बात कंफर्म्ड हो चुकी है जो कि दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल और शाकिब अल हसन में से कोई एक रहने वाला है। आप लोग दोस्तों किसको देखना चाहोगे, आप लोग कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताना। बात करते हैं दोस्तों दूसरी बहुत ही बड़ी खबर की, ये दोस्तों निकल के आया सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से। दोस्तों सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में आरसीबी के खिलाड़ी खेल रहे हैं तो गाइस अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो अपने लास्ट मोड पे पहुंच चुकी है और केवल दोस्तों अब नॉकआउट मैचेस बचे हैं। ऐसे में दोस्तों आरसीबी के जो प्लेयर्स हैं वो भी दोस्तों नॉकआउट मुकाबले का हिस्सा होने वाले हैं। दोस्तों आरसीबी के चार खिलाड़ी हैं जो कि नॉकआउट मैचों का हिस्सा होने वाला है, उनके नाम है दोस्तों यजविंदर चहल, देवदत्त पदिकल, पवन देशपांडे और हर्षल पटेल। ये चार खिलाड़ी दोस्तों आरसीबी की टीम से हम सबको दिखने वाले हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में नॉकआउट मुकाबले खेलते हुए जो कि गाइस 26 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि दोस्तों आज से ये मुकाबले शुरू हो रहे हैं। हम सभी को दोस्तों उम्मीद रहेगी कि इनमें से कम तीन खिलाड़ी तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस करें, क्योंकि दोस्तों आरसीबी की टीम इन सबको नोटिस करने वाली है। आईपीएल 2021 में ये सारे खिलाड़ी आरसीबी की टीम का हिस्सा रहने वाले हैं। बात करते हैं दोस्तों तीसरी बहुत ही बड़ी खबर की, तो गाइस ये खबर जो है ये निकल के आई है एबी डिविलियर्स से। एबी डिविलियर्स दोस्तों जो है ये पहले फॉरेन ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं जो दोस्तों 100 करोड़ रुपए कमा चुके हैं आईपीएल से। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल के इतिहास में अभी तक कोई भी ऐसा विदेशी खिलाड़ी नहीं है जिसने दोस्तों 100 करोड़ रुपए कमाए हैं, लेकिन दोस्तों आईपीएल 2021 में आरसीबी की टीम ने इनको रिटेन किया है। ऐसे में दोस्तों एबी डिविलियर्स जो है वो 100 करोड़ रुपए कमाने वाले हैं इस साल आईपीएल 2021 में। तो गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी दोस्तों, केवल तीन ही खबर निकल के आई आज आरसीबी की टीम की तरफ से। दोस्तों मिलते हैं कल अपनी अगली वीडियो में, लेकिन दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना। मिलते हैं दोस्तों अपने अब नेक्स्ट वीडियो में।